नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल कान्हा रिपेयर पर। आज की इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों, आरटी के तहत फॉर्म जो फिलअप हो रहा है दोस्तों, उसमें प्रिंट आउट नहीं निकल पा रहा है दोस्तों, एप्लीकेशन आईडी जो है हमको नहीं मिल पा रहा है, तो उसे हम किस प्रकार से अपना एप्लीकेशन आईडी को निकाल सकते हैं और अपना प्रिंट आउट को निकाल सकते हैं। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको आरटी का फॉर्म भरना है दोस्तों स्टेप बाय स्टेप, तो उनके लिए मैं अलग से एक वीडियो अपलोड कर दिया हूँ दोस्तों, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप क्लिक करके पूरा डिटेल के साथ देखकर अपना जो फॉर्म है उसे आप फिलअप कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि आपको प्रिंट आउट कैसे निकालना है और आपका एप्लीकेशन नंबर को आपको कहां से निकालना है। तो चलिए दोस्तों, यहां हम सबसे पहले स्कूल का नाम को यहां से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ हमको देना है प्राथमिकता देना है, तो देखिए हम यहाँ प्राथमिकता दे रहे हैं। जैसे जैसे आपको प्राथमिकता देना है उसी प्रकार से आप यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद हमको यहाँ नीचे आ जाना है और यहाँ से हमको सेव कर देना है। तो यहाँ हमको देखने को नीचे में मिल जाएगा दोस्तों, जितना भी स्कूल को आप सेलेक्ट करोगे। उसके बाद यहाँ हमको चेक कर देना है और सुरक्षित करे पर यहाँ हमको क्लिक करना है और यहाँ हम ओके कर देंगे दोस्तों। तो ये इस प्रकार से आ जाएगा और यहाँ हमको देखने को मिल जाएगा दोस्तों, आवेदन प्रिंट करे, ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और यहाँ कुछ लिख कर आ रहा है दोस्तों। देखिए, आवेदन आरटी के लिए पहले ही दर्ज किया जा चुका है, पूर्व आवेदन में संशोधन किया जा सकता है, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। लेकिन हम अभी ही आवेदन किए हैं, पहले से आवेदन नहीं किए थे, तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन। और यहां आपको किसी भी प्रकार के एप्लीकेशन नंबर नहीं मिलेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलेगा। और यहां जैसे हम क्लिक करते हैं आवेदन प्रिंट करे पर, हमारे मोबाइल फोन पर भी नहीं आता है दोस्तों किसी भी प्रकार का एप्लीकेशन नंबर। तो हम यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ हमको देखने को मिलेगा आवेदन क्रमांक डालिए या एप्लीकेशन आईडी बोलेगा, तो उसे हमको किस प्रकार से निकालना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ आ जाना है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर और लास्ट में आएंगे दोस्तों, तो यहाँ लिखा है आरटी आवेदन क्रमांक प्राप्त करे, यहाँ पर हमको आकर क्लिक कर देना है। यहाँ जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ बच्चे का आप आधार कार्ड डाल सकते हैं या आप रजिस्ट्रेशन करते समय जो मोबाइल नंबर यूज किए थे वो वाला मोबाइल नंबर को यहाँ आप इंटर करके अपना एप्लीकेशन नंबर को यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने डाल दिए अपना मोबाइल नंबर और आवेदन क्रमांक देखे पर हम यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ हमको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। देखिए आवेदन क्रमांक ये हमारा जो है निकल कर यहाँ आ जाएगा, इसे आप चाहे तो यहाँ से कॉपी कर ले दोस्तों। और उसके बाद फिर से हमको आ जाना है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर और यहाँ आएंगे तो हमको देखने को मिल जाएगा भरे हुए आवेदन को प्रिंट करें, यहाँ पर हमको क्लिक कर देना है और यहाँ हम उसे पेस्ट कर देते हैं दोस्तों जो हमको क्रमांक मिला था। और बच्चे का जन्म तिथि यहाँ हमको इंटर करना है तो हम यहाँ इंटर कर देते हैं। इस प्रकार से आप अपना प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। आवेदन प्रिंट करे पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो ये प्रॉब्लम यहाँ और देखने को मिलेगा इस तरीके से। तो यहाँ हमको आना है और यहाँ से हमको अलाउ करके इसको डन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ आवेदन प्रिंट करे पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो है प्रिंट देखने को मिल जाएगा।
इस प्रकार से। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी प्रकार के नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल कान्हा रिपेयर को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।